हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के सवालों के बारे में जो कि आपसे हाइड्रोलॉजी के अंदर पूछे गए हैं ना। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि पिछले कुछ टाइम के अंदर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन दोनों पार्ट आपके आने वाले हैं ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि एसएससी के अंदर ना WRE करके आप लोगों को टोटल चैप्टर दिखेगा। तो टोटल चैप्टर का नाम आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के नाम से देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल दो ब्रांचेस देखने को मिलेगी। पहली देखने को मिलेगी हाइड्रोलॉजी और एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, डेट इज द इरिगेशन, है ना, डेट इज द इरिगेशन, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों से जो मैक्सिमम सवाल जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो इरिगेशन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। हाइड्रोलॉजी कंपेरेटिवली आपका छोटा सा भी टॉपिक है। देखो पहले बताता हूँ, ये सिलेबस भी इसका छोटा सा रहता है और इरिगेशन का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, ठीक है। एज कम्पेयर टू एसएससी की बात कर रहा हूँ, एसएससी के अंदर हाइड्रोलॉजी थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा है ना, और इरिगेशन आपका लोगों का यहाँ पर क्या थोड़ा सा बड़ा पार्ट बन जाता है। और इरिगेशन से काफी ज्यादा सवाल आप लोगों से बेसिकली पूछे जाते हैं। देखो पिछले जो साल अगर मैं बात करूँ 2017-18 के आसपास, है ना, 17 या 17 से पहले वाली बात करूँ, है ना, तो उस टाइम पे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो लगभग लगभग सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते थे वो लगभग पूछे जाते थे 2 से लेके 4 सवालों के बीच में, है ना। इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं आते थे पहले पूरे WRE के अंदर, है ना, पूरे WRE के अंदर, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 17 के बाद, 17 से लेके भी लेटेस्ट पैटर्न के बारे में, तो लेटेस्ट के अंदर आपके आराम से 6-7 सवाल आप लोगों के आराम से पूछ ले जाते हैं। और ये 6-7 सवाल में से मात्र एक या दो आपका हाइड्रोलॉजी से रहता है, एक या दो आपका हाइड्रोलॉजी से रहता है, और बाकी सारे सवाल जो अगर मैं बात करूँ 4 से लेके 5 आप लोगों को सवाल आप लोगों को यहाँ पर इरिगेशन से देखने को मिलता है ना। तो इरिगेशन हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया हुआ है अलग से, हाइड्रोलॉजी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है बिल्कुल शानदार तरीके से, है ना, ठीक है। मतलब ये हम कवर करने वाले शानदार तरीके से, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंदर देखो सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा, डेट इज दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और साथ के साथ प्रिसिपिटेशन वाला, है ना। उन दोनों के अंदर ही कंबाइंड रूप से अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा कुछ खास सवाल आप लोगों से नहीं पूछे हैं, टोटल मिला के 6-7 सवाल आप लोगों से आए। 2011 में पहला सवाल आया था, यार इसमें बात करूँ तो मैं पिछले 10-20 साल के रहा हूँ, तो 2011 से मैं क्वेश्चंस के चालू कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सवाल, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, ये एसएससी का 2011 वाला क्वेश्चन है ना, 2011 में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, है ना, ठीक है। 11 के बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, उसके बाद डायरेक्ट 17 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला, तो 17 के बाद आपको 18 में देखने को मिले काफी सारे क्वेश्चन, और फिर 19 में देखने को मिला, है ना, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फिर तो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहता है हाइड्रोलॉजी का। चलो बढ़ते हैं आगे। पहले देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गोज, है ना। सबसे पहली चीज हमें यहां पर जान लेनी है कि रेन गोज क्या होता है, व्हाट इज द रेन गोज, है ना। तो रेन गोज आपके सामने वो डिवाइस है, रेन गोज आपकी वो डिवाइस है जिससे आप लोग यहां पर मेजरमेंट करते हैं किसका, रेनफॉल का, ठीक है। तो इसको ना आप लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, रेन गोज को आप अलग अलग नामों से जानते हैं, इसका नाम याद रख लेना आप लोग, है ना। इसके ना काफी डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे आप लोगों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, जैसे ओम्ब्रोमीटर, आप लोगों को डायरेक्टली अगर बोल दे कि ओम्ब्रोमीटर क्या है ना, डिवाइस का नाम है, डिवाइस का नाम पूछ सकता है बिल्कुल। तो ओम्ब्रोमीटर क्या है, ओम्ब्रोमीटर कुछ भी नहीं है, रेन गोज ही होता है ना। इसके अलावा हो सकता है आप लोगों से यहाँ पर प्लूवियोमीटर नाम आपको दिख रहा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो स्टेट के अंदर आप लोगों से काफी बार पूछा जा चुका है, प्लूवियोमीटर वाला, है ना, ठीक है। तो इसको याद रख लेना प्लूवियोमीटर को। और एक और आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, दैट इज द हीटोमीटर का सवाल, दैट इज द हीटोमीटर का सवाल, है ना। तो हीटोमीटर का से भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, हीटोमीटर का भी आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। तीन नाम आप लोगों के बहुत मोस्ट फेमस नाम से, है ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, दिस इज अबाउट द रेनगोज, दिस इज अबाउट द रेनगोज, है ना। रेनगोज के अंदर आप यहाँ पर रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं, जो मेजरमेंट होगा आपका डेप्थ के टर्म में किया जाता है। देखो रेनफॉल को निकालेंगे सर कितनी अमाउंट की रेनफॉल हुई है, तो रेनफॉल को हम यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में नहीं निकालते हुए डेप्थ के टर्म में लिखाएंगे, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा एरिया के अंदर रेनफॉल होती है ना, तो उस एरिया से आप डिवाइड नहीं करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेप्थ के टर्म में हम यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ से आपको रेनगोज का पता चलता है कि कितनी mm की रेनफॉल आई है, कितनी mm की रेनफॉल आई है, और आपके कितने टाइम में आई है ना। तो कह दू लेट मी से एक आर के अंदर आप लोगों का 5 mm की आई है, तो 5 mm पर आर आप लोगों को यहाँ पर क्या शो करेगा, ये आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी शो कर देगा कि एक घंटे में 5 mm की बारिश आई, तो रेनफॉल की इंटेंसिटी को शो कर देगा। दिस इज द रेनफॉल इंटेंसिटी, है ना। ऐसे आप लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, दिस इज द रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो ये आपके रेनफॉल की इंटेंसिटी को शो करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कितनी इंटेंसिटी से करंट में रेनफॉल आपकी यहाँ पर आकर कर रही है, ठीक है।
तो ये नाम आप लोग यहाँ पर बेसिकली याद रखना है। अब बात करते हैं रेनबोज जो है कितने टाइप के होते हैं ना, तो रेनबोज के टाइप की बात कर लेते हैं। अब रेनबोज के टाइप की बात कर लेते हैं, तो देखो रेनबोज आपके दो तरह के देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। पहला देखने को मिलेगा डेट इज द नॉन रिकॉर्डिंग, है ना, डेट इज द नॉन रिकॉर्डिंग। अब देखो नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है सर, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। अब यहां पर नॉन रिकॉर्डिंग है और सेकंड वाला आता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी बात, है ना, बिल्कुल रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की रेनबोज वो रेनबोज है जिसके पास डाटा नहीं रहता, जिसका नाम जिसके पास डाटा नहीं रहेगा। डाटा नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है कि देखो रेनबोज के अंदर क्या है, रेनबोज आप लोगों का सर किस तरह का आप लोगों को मटेरियल देखने को मिलेगा, तो मैं बता दूं कि रेनबोज पे आप लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा उम्मीद मत करो। देखो रेनबोज क्या होता है, देखो रेनबोज आपके सामने एक ओपन सिलेंडर की तरह देखने को मिलेगा, जो कि एक साइड जिसका ओपन है और एक साइड से क्लोज है ना। ठीक है, तो एक ओपन कंटेनर की तरह आपको देखने को मिलेगा। इस ओपन कंटेनर के अंदर आपकी कुछ अमाउंट की रेनफॉल आपकी यहाँ पर अकर हुई होगी, मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में, बिल्कुल, तो इसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पानी भर जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये पानी कितना आपके पास यहाँ पर एक दिन के अंदर, एक दिन की बारिश के अंदर कितना अमाउंट का रेनफॉल निकला है ना, कितने अमाउंट का रेनफॉल निकला ये आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना डेप्थ की टर्म में होता है, तो कितनी रेनफॉल हुई तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कितना वॉल्यूम का पानी आया, बिल्कुल। ये आपका कंटेनर आपका है तो इसका एरिया आपको पता है, बिल्कुल। तो आपको कितनी डेप्थ की रेनफॉल अगर हुई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो आपको यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल। तो हर एक कैचमेंट एरिया के लिए आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कितना कितना रेनफॉल आप लोगों को यहाँ पर अकर हुआ है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर कंटेनर आप उठा लें, एक कंटेनर उठा लें, वो कंटेनर आपका रेनबोज की तरह काम कर सकता है ना। तो इस तरह में दो तरह के हो गए, एक रिकॉर्डिंग हो गया, एक नॉन रिकॉर्डिंग हो गया। अब रिकॉर्डिंग क्या है, देखो दोनों, देखो रेनबोज है तो यानी कि रेनफॉल का मेजरमेंट तो देंगे ही देंगे, है ना। अब रिकॉर्ड क्या करना है सर, रिकॉर्ड क्या करना है, देखो रेनबोज है तो रेनफॉल का मेजरमेंट तो देने ही वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड क्या करें, है ना। देखो ये रिकॉर्ड करता है आपका डाटा, रिकॉर्ड करता है कौन सा डाटा रिकॉर्ड करेगा, ये डाटा रिकॉर्ड करेगा आपका कि किस, जैसे कि ये आपको ना जो रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबोज है ये बताएगा कि सर देखो लेट मी से सुबह 12 बजे, 12 से लेके 2 बजे तक आपकी क्या हुई है, बारिश हुई है। ठीक है, फिर सर 2 से लेके 4 बजे तक आप लोगों की कोई बारिश नहीं हुई है ना, तो ये शो करेगा कि 2 से 4 तक बारिश हुई है, 4 से लेके फिर 6 तक फिर वापस बारिश चालू हुई है ना। तो टाइम के हिसाब से अगर आपको डाटा दे दे कि सर इतने टाइम पे ये पर्टिकुलर बारिश आपके यहाँ पर देखने को मिली है, तो इसको मैं कह देता हूँ रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबोज, है ना। अगर यदि आपको ये डाटा नहीं देता, आपको सिर्फ ये बताया सिंपली कि पूरे दिन में कितनी बारिश हुई है, तो आप लोगों को होगा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबोज, है ना। इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है क्या कि देखो अब आपको पता करना है कि सर इस रेनबोज के अंदर मैं इसको यहाँ पर रखे गया और आपकी बारिश कंटिन्यूअसली हो रही है। अब आपकी बारिश कंटिन्यूअसली हो रही है ना, आप रखे गए उस टाइम पर कुछ नहीं था, उसके बाद कंटिन्यूअस बारिश हुई है 48 आवर तक, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है 48 आवर तक, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग कितनी बजे मेजरमेंट करने आए कि एक दिन की बारिश को निकाल लें। देखो अगर मैं यहां पर इसको रखेगा कंटेनर को रखे गया और कंटेनर को रख के 8:30 बजे तक मेजरमेंट करूं, ठीक है, तो आपको यहां पर एक पर्टिकुलर डेप्थ दे देगा ये। ठीक है, बारिश तो अभी कंटिन्यूसली हो रही है ना। अगर आप 10 बजे मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये अलग वैल्यू देगा, अगर आप यहां पर इसको 1 बजे मेजरमेंट करेंगे तो आपको अलग वैल्यू देगा। तो सर एक दिन का मेजरमेंट कब से कब तक करूं, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है। 24 घंटे कौन कौन से लेने हैं ये भी आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनानी होती है ना। तो आपको याद रखना है कि सुबह 8:30 बजे मेजरमेंट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपसे छोटे छोटे एग्जाम से पूछ लेता है। तो हर दिन सुबह 8:30 बजे आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे कि पिछले दिन के 8:30 से लेकर अब तक के 8:30 में कितनी बारिश हुई है ना। तो 8:30 बजे का सुबह बहुत अच्छा रोल है ना। सुबह 8:30 AM पे आप लोग यहां पर क्या करते हैं, मेजरमेंट आप यहां पर कर लेते हैं, आप यहां पर क्या कर लेते हैं, आप यहां पर मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज इट, है ना। ठीक है, तो ये दो तरह के रेनबोज हो गए, दैट इज द रिकॉर्डिंग टाइप रेनबोज, दैट इज द नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेनबोज, है ना। ठीक है, तो दिस इज द रेनबोज, दो तरह के रेनबोज है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर इंडिया के अंदर जो यूज किया जाता है रेनबोज, दैट इज द साइमंस रेनबोज, है ना। देखो इंडिया के अंदर एक ही रेनबोज है जो सबसे मोस्ट ब्रॉडली आपका यूज किया गया, दैट इज द साइमंस रेनबोज, है ना, साइमंस रेनबोज। अगर मैं बात करूं आपसे रिकॉर्डिंग टाइप के रेनबोजेस की, तो रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर आप लोगों का सबसे पहला आता है नाम, दैट इज द टिपिंग बकेट, That is the tipping bucket, है ना, That is the tipping bucket, है ना, tipping bucket type, tipping bucket type. Second one जो आता है, that is the weighing type, that is the weighing type, that is the weighing type, है ना, that is the weighing type. Third number पे जो आता है, that is the floating type, that is the floating type, that is the floating type, है ना। ठीक है, तो ये तीन तरह के रेनबोज हैं जो कि आपके रिकॉर्डिंग टाइप के हैं, और ये एक तरह का जो रेनबोज है दैट इज द साइमंस रेनबोज, है ना, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबोज है ना। ठीक है, अब इनके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहला क्या है, साइमंस रेनबोज है ना। देखो ये मैं साइमंस रेनबोज का आपको डायग्राम लेके आया हूँ ना। साइमंस रेनबोज आपका नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबोज है, साइमंस रेनबोज। साइमंस रेनबोज इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉडली, है ना,
तो जो सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज टाइप का रेन कोच है इंडिया के अंदर, दैट इज साइमंस रेन कोच है ना। ठीक है, साइमंस रेन कोच के अंदर कुछ नहीं है, देखो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द रेन कोच, दिस इज द रेन कोच है ना। ठीक है, दिस इज द रेन कोच, इस तरह का रेन कोच है। देखो ये एफआरपी लिखा हुआ है, ये फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलिएस्टर से आप लोगों का बना हुआ है ना। ये क्या है, साइमंस रेन कोच का रिप्लेसमेंट आ गया एक्चुअली है ना। ठीक है, तो मैं लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, साइमंस रेन कोच भी इसी तरह का दिखेगा आपको, कोई यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अलग से घबराने वाली बात नहीं है ना। तो इसी तरह का है ये, आपका सेम है, बस थोड़ा सा आपका मॉडिफिकेशन हो गया साइमंस रेन कोच में है ना। लेकिन आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, एफआरपी याद नहीं रखना है, आप लोगों को साइमंस रेन कोच मान के चलो इसको है ना। मैं इसको साइमंस रेन कोच मानते बता देता हूँ, इसी तरह का रहता है डिब्बा है ना, बस मटेरियल बदल दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, इस ओपन कंटेनर के अंदर एक फनल लगी होगी है ना, फनल लगी है। देखो इस ओपन कंटेनर है, इस ओपन कंटेनर के अंदर फनल लगी हुई है, ये फनल लगी हुई, इसका जो ओपनिंग एरिया है ना, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, दैट इज ऑफ द 12.7 सेंटीमीटर, 127 एमएम का आप लोगों को यहां पर, 127 एमएम का आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ऊपर ओपन एरिया देखने को मिलेगा। कंटेनर बाहर मेटल का है, यहां पर मेटल कंटेनर है, यहां पर आपका फाइबर रेनफोर्स पॉलिएस्टर से आप लोगों को यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर अंदर एक बोतल रख देते, कलेक्टिंग बोतल रख देते जिसमें पानी है। देखो ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बोतल डाली, बोतल डालने के बाद ऊपर यहाँ पूरे में फनल लगा दिया है ना, ताकि पूरा पानी इस बोतल में चला जाए। ठीक है, इस पूरा बोतल में चला जाए, इस बोतल में पानी भर जाएगा बड़े अच्छे से बिल्कुल। तो आप सुबह 8:30 बजे रखेगा इसको, और अगले दिन 8:30 बजे आप लोगों ने यहाँ पर इसमें मेजरमेंट कर दिया। हालांकि देखो फिक्स रहता है ये, साइट फिक्स रहती है ये, मैं समझाने के लिए जनरल लैंग्वेज में बोल के जा रहा हूँ कि आप सुबह 8:30 बजे रखे गए। ठीक है, रखा एक जगह रहता है, फिक्स जगह पर रखा रहता है ये। देखो इसके लिए आप इसको रखने के लिए मशीनरी ब्लॉक भी लगाता है, दिस इज द मशीनरी ब्लॉक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि 60x60x60 से अलग से जगह चाहिए इसको है ना, अलग से जगह बनाओ, मशीनरी वॉल बनाओ, क्योंकि आप लोगों का सीधी सी बात है, इसको डायरेक्टली यहां रख दिया ना तो बारिश यहां पर अकर होगी आपकी। देखो यहां पर बारिश आई, बारिश आई, बारिश के आने के साथ साथ यहां पर जो बूंदे हैं वो स्प्लैश करके इसमें गिर गई, तो गलत मेजरमेंट आ जाएगा आपका, स्प्लैश करके चले गए तो गलत मेजरमेंट आ जाएगा आपका है ना। ठीक है, साथ में आप लोग इसको ज्यादा हाई भी नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है कि सर आप बिल्कुल जमीन के पास भी नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा ऊपर रख दो, बहुत ज्यादा ऊपर रख दिया तो क्या होगा, देखो तो यहां पर अगर मैंने इसको रख दिया पहाड़ पे जाके रख दिया तो क्या होगा, यहाँ की विंडी कंडीशन और यहाँ की विंडी कंडीशन अलग अलग है, तो जो बारिश आ रही है ना वो विंड से अफेक्ट हो जाएगी आपकी, तो अलग अलग आपको यहाँ पर डिविएशन देखने को मिल जाएगा है ना। तो ग्राउंड के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रखते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर भी रखते हैं ताकि स्प्लैशिंग से अवॉइड कर सके हम लोग है ना। ठीक है, इसके आसपास ना मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसके आसपास आपकी ताराबंदी भी कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, ताकि कोई भी आपका जानवर आके इसको खराब नहीं करके चले जाए ना। तो आसपास में जो 5.5x5.5 मीटर का ओपन एरिया रहता है, 5.5 मीटर बाई 5.5 मीटर का एरिया है ना, इतने एरिया पे आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वायर से आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, साथ के साथ इसको लगाने के टाइम पे ये भी याद रखना है कि देखो, और इसके साथ में ना, इसके साथ में, इसके आसपास में आप लोगों का यहाँ पर इसके 30 मीटर के आसपास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, या तो 30 मीटर के आसपास कह दो, या फिर जो जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उस ऑब्स्ट्रक्शन, देखो ऑब्स्ट्रक्शन रहा, देखो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, लेट मी से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के जस्ट बगल में, इस ऑब्स्ट्रक्शन के जस्ट बगल में यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर रेन गोज आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है ना। तो देखो यहाँ पर बारिश अगर इस तरह से आएगी ना, तो बारिश आएगी तो अफेक्ट कर जाएगी इस कंडीशन को। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन के अगल बगल में नहीं रखते। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना हम यहाँ पर इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ कि या तो आप यहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस पर रखें इसको ना, ये जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन है इसको या तो 30 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, या फिर आप लोग यहाँ पर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की ट्वाइस साइड है ना, तो बता देता हूँ, या तो 30 मीटर या फिर आप लोग यहाँ पर रखते हैं और ट्वाइस दी हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है ना, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होता है ना वो वैल्यू अडॉप्ट कर लेते हैं आप लोग, और उतने डिस्टेंस पे कम से कम आप यहाँ पर रखते हैं, ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली जो करेक्ट अमाउंट की जो रेनफॉल है अकर हो रही है वहां पर पूरे किसी कैचमेंट एरिया के ऊपर, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी एफ आर पी फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड, आप लोग यहाँ पर पॉलिएस्टर रेनगोज है ये है ना, ये रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली क्या किया, ये साइमंस रेनगोज का रिप्लेसमेंट लिया है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, ये सब इन सब चीजों को, ये जो ये सारी सारे डाटा है ना, रेनफॉल वगैरह का जो डाटा है, ये सब के सब वही रखती है ना। तो जितने भी हाइड्रोलॉजी रिगार्डिंग जो काम होता है, कितना आपके पास यहाँ पर किस जगह पे कहाँ पे कितनी फ्लड आने वाली है, क्या उसके टेक्निक रहने वाली है, कितना रेनफॉल का डाटा है, वो सारे का सारा जो डाटा है ये सारा का सारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रखता है आपका है ना। जिसका अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका हेडक्वार्टर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो वर्ल्ड बेसिस पे अगर बात करें तो WMO करके आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोलॉजी को कवर करती है, पूरी हाइड्रोलॉजी से जो भी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को जो भी कवर करेगा ना वो सब डब्ल्यूएमओ कवर करेगी, ठीक है। ठीक है, तो सारी रिपोर्ट उसके पास रहती है, ठीक है। इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दोनों का नाम भी याद रख लेना आप लोग, है ना, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द साइमन्स रैंड, दिस वॉज अबाउट दी साइमन्स रैंड, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो पानी कलेक्ट हुआ था उस कलेक्टेड पानी को आप बेसिकली इस मेजरिंग ग्लास में डालते हैं ना, तो इस ग्लास के अंदर ना एरिया वाइज ऑटोमेटिकली डेप्थ बनी हुई है, तो आप लोगों को इसके एरिया से डिवाइड करके इन्होंने ऑलरेडी मार्किंग करके डेप्थ दे रखी है, तो डायरेक्टली डेप्थ आपको पता चल जाती है। इस पानी को बस उठा के इसमें भरना है आपको, ठीक है। आप इसके अंदर स्नोफॉल को भी कवर कर सकते हैं, आप लोगों को बस ये फनल हटानी है, फनल हटा के आप लोग यहाँ पर इसको इस बिल्कुल इस आप लोगों देखना इस सिलेंड्रिकल वेसल को डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधा स्नोफॉल को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको ज्यादा रख देखो सीधा उठा के जहाँ पर स्नोफॉल आ रही है उस एरिया के अंदर पटक दो, जितनी स्नोफॉल आ रही है वो स्नोफॉल जब पिघलेगी तो उसकी रिलेटिवली आप लोगों को जो भी हाइट निकल के आएगी वो हाइट या जो भी डेप्थ आपकी निकल के आएगी उस डेप्थ को आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर रेनफॉल डेप्थ कह देंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो स्नोफॉल डेप्थ को भी मेजरमेंट कर सकती है ये पर्टिकुलर, है ना, बस उसको पिघल लेना स्नो को, है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पहला साइमन्स रेन गोज, जो कि सबसे ब्रॉडली यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रॉडली यूज्ड रेन गोज इन इंडिया, तो आप लोगों का यहाँ पर नाम आपका आना चाहिए, दैट इज साइमन्स रेन गोज, है ना। सेकंड नंबर पे देखते हैं हम यहाँ पर, सेकंड नंबर पे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा चलो ठीक है, सेकंड नंबर पे ये देखो, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर, आपको मैंने यहाँ पर नाम बताया, दैट इज द टिपिंग बकेट, दैट इज द टिपिंग बकेट रेन गोज। तो टिपिंग बकेट के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर शो कर देता हूँ, है ना, तो हम यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर देता हूँ, है ना, ये सेकंड नंबर पे। अब रिकॉर्डिंग होजेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पहला नॉन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही है साइमंस, और रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला टाइप का, डेट इज द टिपिंग बकेट रैन, है ना, डेट इज द टिपिंग बकेट। देखो इन सबसे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इन सबसे सवाल जो पॉसिबल सवाल है उन सारे पॉसिबल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपका आंसर कर दूंगा, है ना, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, देखो ओपनिंग आप लोगों को पता है, यहाँ से पानी आएगा, फनल के अंदर जाएगा, स्टोरेज टैंक के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर मेजरिंग ट्यूब लगी हुई है, तो मेजरिंग ट्यूब आपको कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ दे देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, ये जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको टिपिंग बकेट कहते हैं, है ना। एक टिपिंग बकेट की कैपेसिटी होती है 0.25 mm की रेनफॉल डेप्थ को मेजरमेंट कर, 0.25 mm, है ना, 1 mm का भी फोर्थ पार्ट, 1 mm का भी फोर्थ पार्ट, 0.25 mm की रेनफॉल की डेप्थ को मेजरमेंट कर सकता है हमारा टिपिंग बकेट, है ना। अभी टिपिंग बकेट ना एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप से आप लोग यहाँ पर इसको इंस्ट्रूमेंट को मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 0.25 mm ये फिल होती है, ठीक है, ये क्या कर जाती है, ये उलट जाती है, ये मतलब क्या कर जाता है, ये आपका रोटेट कर जाता है, ये मामला क्या कर जाता है, आपका रोटेट कर जाता है ना। तो जैसे 0.25 यहाँ पर फिल हुआ, ये आपका रोटेट कर जाएगा, ये आपका रोटेट कर जाएगा, रोटेट करके दूसरा फनल, दूसरा आपका दूसरा बकेट उसका ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल। और ये जो पानी है सीधा इसके अंदर खाली हो जाता है, इसके अंदर खाली हो जाता है ना। तो अगर हल्की फुल्की भी प्रेसिपिटेशन आई ना, तो सारी की सारी प्रेसिपिटेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे 0.25 पानी गया, वैसे आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये ऊपर की तरफ जाती है, दूसरी बकेट ऊपर चली जाती है और पहली बकेट नीचे आ जाती है, और इस केस में आपकी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप लोगों का बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आपकी जनरेट होती है और डाटा को रिकॉर्ड कर देती है कि 0.25 mm की बारिश हो गई है ना। आप किस टाइम पे हुए इस टाइम को भी नोट डाउन कर लेती है, उस टाइम को भी क्या कर लेती है, नोट डाउन कर लेती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आप लोग यहाँ पर याद रखना है कि जो टाइम है उस टाइम को भी क्या कर लेंगे, ये नोट डाउन कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो आपका रेनफॉल डाटा ये क्या कर देती है, प्रोवाइड कराती है, तो इट प्रोवाइड रेनफॉल डाटा कि किस टाइम पे 0.25 खाली हुआ है, आपको बता देगा कि जिस जिस स्पीड से आपका पानी गया है, जिस स्पीड से पानी गया वो टाइम भी आपको नोट डाउन कर लेता है ना। ठीक है, दिस इज ए टिपिंग बकेट है, ठीक है, दिस इज ए टिपिंग बकेट, ठीक है। तो ये होगा टिपिंग बकेट, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा हुआ, देखो साइमन्स रेन गोज में तो सुबह 8:30 बजे आप लोगों को यहाँ पर अगर मेजरमेंट करना है, सुबह 8:30 बजे मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने आपको खुद को जाना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो यहाँ पर ना आप लोगों को डाटा मेजरमेंट करने नहीं जाना है ना। तो जितने भी इन एक्सेसिबल स्टेशन है, जितने भी आपके इन एक्सेसिबल लोकेशन है, इन एक्सेसिबल लोकेशन है, ठीक है, इन एक्सेसिबल लोकेशन है, इन सभी इन एक्सेसिबल लोकेशन पे आप टिपिंग बकेट टाइप का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जैसे कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बंदा नहीं चाहिए, यानी कि पहाड़ों वहाड़ों पे आपको या डेजर्ट वगैरह के इलाकों में, एरिड जोन के अंदर, है ना, तो यहाँ पर आप लोग इनको एस्टेब्लिश कर दो, कभी बारिश हुई तो आपका नोट डाउन, आपको नोट डाउन करके रीडिंग आपको मिल जाएगी, आपको घबराने वाली बात नहीं पड़ेगी आपको, है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है।
इस पर्टिकुलर टाइप में, आप लोगों के पास रिकॉर्ड आपके पास यहां पर आपको एटलीस्ट आपके पास यहां पर रहेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो टिपिंग बकेट हो गया आपका 0.25 mm कैपेसिटी आपको याद होंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं ये वाला, इसको देख रहे हो आप यहां पर, ये वेइंग टाइप है। दिस इज दी वेइंग टाइप रिकॉर्डिंग रेनबोज, है ना। वेइंग टाइप, वेइंग टाइप का मतलब यहां पर आपको पता ही चल गया कि यहां पर जो मैकेनिज्म बना होगा दैट इज दी वेइंग टाइप का मैकेनिज्म। ये देखो वेइंग टाइप का मैकेनिज्म बना हुआ है ना। तो क्या होता है यहां पर ऊपर की तरफ तो बकेट है, बकेट के अंदर पानी आता है, देखो बाकी पूरा फुली कवर्ड है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर। इस बकेट के अंदर पानी आ सकता है, इसमें जैसे जैसे पानी आता है वेट की वजह से यहां पर आप लोगों का एक पैन, एक आप लोगों के पास यहां पर पेपर है, ये पेपर ना एक ड्रम के ऊपर लगा रहता है ना, ड्रम के ऊपर यहां पर लगा रहता है। देखो ये रोटेटिंग रिकॉर्डिंग ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर लगा रहता है पेपर, ठीक है। अभी इसको इस तरह से समझो आप, है ना, ये ड्रम है, ड्रम आपका इस तरह से घूमे जा रहा है, इस तरह से घूमे जा रहा है ना, इस तरह से घूमे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से घूमे जा रहा है, ठीक है, ड्रम आपका घूमे जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली घुमा हुआ है, ये घूम रखा है आप लोगों के पास, बिल्कुल। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर बारिश हुई और बारिश की वजह से जैसे बकेट नीचे ऊपर हुआ, तो वेइंग मैकेनिज्म की वजह से आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस पे डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लो बारिश नहीं हो रही तो इस तरह से सिंपल डाटा देखने को मिलेगा, क्योंकि वेट में कोई आप लोगों को यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल डाटा कॉन्स्टेंट रखेगा। अगर वेट में बढ़ोतरी हो रही है तो इस तरह से डाटा ये नोट डाउन करता रहता है ना। तो इस तरह से कर्व सी बनाता है। तो ये कर्व कैसी बनेगी, तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कर्व आपकी बनती है, ये बनती है कर्व आपकी रेनफॉल, इस साइड तो रेनफॉल, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। कर्व कैसी है, कर्व कुछ इस तरह की, देखो कि अगर मान लो बारिश हो रही तो इस तरह से आपकी पेन बढ़ जाएगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप लोग इस तरह से दिखाएगा, यहां पर आपकी बारिश हो रही है इस तरह, यहां पर नो रेन है, ये नो रेन है, ये नो रेन है, यहां पर रेन हो रही है। इस रेन को आप लोग रेन की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो, आप लोग इसका स्लोप निकाल दो आप, है ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, या आपको रेनफॉल इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप लोग यहां पर उठा के दे देगा, है ना। तो यहां से आप इसको कर्व को जनरेट कर सकते हो, जनरेट नहीं करना पड़ता, एज अ रिजल्ट आपको डायरेक्टली यहां पर कर्व मिलती है। इस टिपिंग बकेट में आपको कर्व नहीं मिलती, इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्ड रहता है, इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, इसमें याद रखना, इसमें आप लोगों को यहां पर डाटा रिकॉर्ड होता है, इस केस में डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो आप लोग, है ना। इस केस में कोई पेन पेपर का अरेंजमेंट नहीं है ना, तो यहां पर वो आप लोगों को यहां पर क्या नहीं मिलता, पेन पेपर पर कुछ नहीं मिलेगा। जो पेन पेपर पे आपको मिलेगा ना एक ग्राफ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों को मिलता है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप यहाँ पर मास्क करो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप मास्क करो बोलते हैं। तो मास्क करो जनरेट करके देता है आपको वेइंग टाइप का, है ना। यहां पर ये मास्क करो जनरेट करेगा क्या, यहां पर ये मास्क करो जनरेट नहीं करेगा, ये मास्क करो जनरेट नहीं करेगा। हालांकि ये डाटा प्रोवाइड करा रहा है आपको, डाटा जरूर प्रोवाइड कराएगा, जिस डाटा की मदद से आप लोग चाहें तो मास्क करो बना लें, लेकिन मास्क करो बना के नहीं दे रहा, डायरेक्टली आपको मास्क करो आपको बना के देगा वेइंग टाइप का, है ना। सेम नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट आता है ये लास्ट, दैट इज द फ्लोट टाइप, है ना, दैट इज द फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप, इसको फ्लोट टाइप बोलते हैं, इसको साइफन टाइप भी बोलते हैं ना, साइफन टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल साइफन टाइप है ना, पूरा नाम लिखो तो नेचुरल साइफन, साइफन है, साइमन नहीं है, याद रखना साइफन है, साइमन नहीं है, ठीक है, साइमन सरिन को चलेगा, साइफन नेचुरल साइफन टाइप है ना, सरिन को। देखो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर फ्लूट लगा हुआ है, फ्लूट लगा हुआ है डेट मीन्स पानी, जैसे देखो यहाँ से आपका फनल के अंदर से पानी आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में पानी आएगा, बारिश हुई यहाँ से पानी आया, पानी आएगा तो यहाँ पर पानी भरेगा, पानी भरेगा तो फ्लूट ऊपर उठेगा। तो ये फ्लूट ना आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है इस रोटेटिंग ड्रम से, रोटेटिंग ड्रम से, ये ड्रम आपका रोटेट करना है, यहाँ से पेंसिल लगी हुई है, इस पेंसिल से डायरेक्टली यहाँ पर एक कर्व बना देगा, जैसे यहाँ पर बना रहा है ना। तो ये भी आपका मास कर्व जनरेट करेगा, तो ये भी आपका यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, ये भी यहाँ पर आपका मास कर्व जनरेट करेगा, है ना, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं देगा, रिकॉर्डिंग के नाम पर डायरेक्टली मास्क जनरेट करके देता है ना। यहाँ पर जब इसमें पानी फुल हो जाता है ना ऊपर तक, बिल्कुल, तो इस पानी को निकालने के लिए साइफन काम में आता है, साइफन एक्शन काम में लेता है ना, ठीक है। पानी भर जाएगा तो क्या कैसे निकलेगा, साइफन से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पूरा, सारे तरह के रेनगोजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा देखो, जो रिकॉर्डिंग गोजेस है ना, रिकॉर्डिंग गोजेस में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो फ्लोट टाइप का है, रिकॉर्डिंग में मोस्ट पॉपुलर, ऑलमोस्ट ओवरऑल मोस्ट पॉपुलर आपका साइमन रेनगोज है। अदरवाइज अगर रिकॉर्डिंग बोले तो रिकॉर्डिंग में इंडिया में जो है ये आपका फ्लोट टाइप का आपका यूज करता है ना, नेचुरल साइफन टाइप या फ्लोट टाइप आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेनबो, साइमन्स रेनगोज आपका आंसर हो जाएगा, साइमन्स रेनगोज आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी तीनों आप लोगों के यहाँ पर किस तरह के हैं, ये तीनों आपके रिकॉर्डिंग टाइप के रेनबोज है, और इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर याद थोड़ा बहुत वैल्यूज को आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ वैल्यूज हैं जो कि अब देखो जितना इंपॉर्टेंट बात हो वो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट करना है आपको इवापोरेशन फ्रॉम द पॉन्ड, अगर पेन इवापोरेशन आपको
45 mm का दे रखा है और पेन कोफिशियंट जो है वो आपका 0.70। अच्छा देखो देखो पेन क्या होता है, देखो पेन क्या होता है, देखो पेन इवेपोरेशन क्या होता है ना। देखो एक होती है आपके पास यहाँ पर, लेट मी से ये आपकी लीक है ना, लेट मी से ये आपकी लीक है, दिस इज योर लीक, दिस इज योर लीक है ना। इस लीक के अंदर से कितना पानी उड़ा ये आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के साथ डील कर रहे हो तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी आपको बताती है, ये कैलकुलेट करना बताती है कितना पानी आपके पास अवेलेबल है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ता है ना। तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि कितना अमाउंट का इवापोरेशन हो रहा है, कितने अमाउंट का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कितने अमाउंट का बारिश हो रही है, किस हिसाब से वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी रहने वाली है ना। तो पूरा काम आपका, अगर यदि आप यहाँ पर हाइड्रोलॉजिस्ट बनते हैं तो पूरा काम आपका बन जाएगा। इसके अलावा स्टॉर्म का मूवमेंट कैसा हो रहा है, किस तरह से बारिश होने वाली, सारे काम आप लोगों के रहते हैं ना। अगर कहीं पर फ्लड आने वाली, ड्रोट आने वाली, तो उससे लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाना भी आपका काम रहता है, ठीक है। बिल्कुल, अब इसमें मैं बात पे आता हूँ। अब आप लोगों को इस पूरे के अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजें मेजरमेंट करनी होती है कि सर कितना पानी आएगा, कितना पानी जाएगा, है ना। देखो वाटर ब्रिलिटी इक्वेशन आप लोगों को लगानी होती है, यानी कितना वॉल्यूम आएगा और कितना वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी के बाद आप पता कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ चेंज इस पर्टिकुलर स्टोरेज में कितना रहेगा, है ना। यानी किसी पर्टिकुलर नदी के अंदर या लेक के अंदर कितना पानी आया है, कितना पानी गया है, उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर चेंज हुआ है, इसका वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, ठीक है। बिल्कुल, तो इस इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर वाटर बजट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर वाटर बजट इक्वेशन कहते हैं। ये मास कंजर्वेशन के लो पर लागू है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, है ना। मास कंजर्वेशन के लो के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर ये डिफाइन की है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इवापोरेशन का मेजरमेंट करना है। तो इवापोरेशन का मेजरमेंट इसके अंदर किस तरह से करेंगे, तो मैं बेसिक फंक्शन दिखा देता हूँ। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर क्या करें कि आप सीधा सीधा आप यहाँ पर एक पैन ले लें, एक पतीला ले लिया आप लोगों ने, पतीला ले लिया, बिल्कुल। इस पतीले के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या करें, पानी भर दें, इस पतीले के अंदर पानी भर दें, है ना, ठीक है, बिल्कुल। अब इस पानी भरेंगे तो पानी क्या करेगा, इवापोरेट करेगा, ठीक है। वाटर लेवल के अंदर ड्रो डाउन आएगा। तो जितना पानी आप लोगों को यहाँ पर इसके सरफेस को मेंटेन करने में लगाना है, या फिर कह दो कि जितना पानी यहाँ से इवापोरेट करेगा, है ना, इसके अमाउंट को आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डेट इज द इवापोरेशन। इसको पैन इवापोरेशन कहते हैं कि आप इस पतीले को बाहर रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना पानी उड़ा है, कितना नहीं उड़ा, कितना डेप्थ का पानी गया है, कितना नहीं गया, है ना। डेट विल बी टर्म्ड एज इवापोरेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं आगे की तरफ, वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम कितना गया, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर वाटर वेलिटी क्वेश्चन लगा के आप इसका ड्रो डाउन या फिर पानी अपवर्ड गया है तो वो आपको लेवल पता चलेगा, है ना। अभी देखते हैं, ये इसको बोलते हैं पेन इवापोरेशन, ठीक है। ये है लेक, ये है आपका लेक, ये है आपका पेन, ये है आपका पेन, है ना, ठीक है। अब ये पेन ना काफी अलग अलग तरह के पेन आते हैं, ये तो मैंने बेसिक फंक्शन बताया, दिस इज द बेसिक फंक्शन ओनली, दिस इज द बेसिक फंक्शन ओनली, है ना। पेन आपको अलग अलग तरह के दिखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डेट इज दी क्लास ए पेन, क्लास ए पेन, है ना, ठीक है। सेकंड नंबर पेन आपको ISI पेन, देखो मैं पेन के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इनको इवापोरीमीटर भी बोलते हैं, इन पेन, ये जो पेन यूज करा ना, इन पेन को आप इवापोरीमीटर भी बोलते हैं ना, इवापोरीमीटर भी कहते हैं। जैसे रेनफॉल का मेजरमेंट करता है वो रेनकोट हो जाएगा, ये आपके इवापोरीमीटर कहलाते हैं, इवापोरीमीटर कहलाते हैं ना। थर्ड नंबर पे देखोगे आप लोग यहां पर तो कोलोराडो शंकन पेन, कोलोराडो शंकन पेन, है ना, ठीक है। फोर्थ नंबर पे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे आप लोगों का यहां पर इवापोरेशन पेन, है ना, ठीक है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे इवापोरेशन पेन, है ना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूँ इवापोरेशन पेन, ठीक है। ये जो है इवापोरेशन पेन फ्लोटिंग टाइप का रहता है, इसलिए यहां पर ना इसको आप लोग यहां पर जब भी रखेंगे तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन भी बोलते हैं ना। ये इवापोरेशन पेन ही है लेकिन फ्लोटिंग टाइप का है ना, यानी कि नदी के ऊपर तैरता है ये, ठीक है। ये इवापोरेशन पेन ही है लेकिन फ्लोटिंग टाइप का है, तो उसको फ्लोटिंग पेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बेसिक फंक्शन क्या है, कि बेसिक दिक्कत क्या होती है किसी पर्टिकुलर पेन में, मैं दिक्कतें समझा देता हूँ। देखो अगर पेन बना रहे हो तो पेन की बॉडी बनाओगे आप मेटल की, पेन बना रहे हो तो पेन की बॉडी बनाओगे मेटल की, है ना। और जबकि ग्राउंड के अंदर ऐसी कोई नहीं है, है ना, बिल्कुल। तो ग्राउंड से जो आपको हीट मिलेगी, यहाँ से जो हीट मिल रही है ना आप लोगों को, इसकी हीट, और ये जो मेटल आपका गर्म होगा धूप में रखने से, बाहर आपने बाहर रख दिया तो धूप में रखने से मेटल गर्म होगा, इन दोनों की ऑपरेशन में रात दिन का फर्क है, इन दोनों की ऑपरेशन में रात दिन का फर्क है, पहली बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल।
दूसरी बात कि सर यहाँ अगर ग्राउंड से कोई एक्स्ट्रा हीट मिल रही है तो ऐसा यहाँ पर इसके अंदर से कोई एक्स्ट्रा हीट मिल रही है, ये दोनों के वैल्यूज भी आप लोगों की चेंज है। ठीक है, बिल्कुल, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल, तीसरी बात क्या है कि ये एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट है, ये एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट है ना। देखो ये एरिया भी आप लोगों का डिफरेंट है, ठीक है, तो एरिया एरियल से भी इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों का ना, एरिया से भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जो विंड कंडीशन है, ये विंड कंडीशन यहाँ पे और यहाँ पर भी आप लोग क्या है, यहाँ से यहाँ पर विंड कंडीशन भी आप लोगों की अलग है ना। तो बेसिकली ये वाला पेन और ये वाले इस एक्चुअल इवापोरेशन लेक के में फर्क आएगा। फर्क क्या होता है कि जो एक्चुअल में पेन से इवापोरेशन आप मेजर करोगे ना, तो वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा लेक के इवापोरेशन, है ना, लेक के इवापोरेशन। ठीक है, तो चार पांच दिक्कतों की वजह से आप लोगों को यहाँ पर पेन का इवापोरेशन हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा लेक के इवापोरेशन। ठीक है, बिल्कुल, तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि अगर मेरे को पेन इवापोरेशन से लेक का इवापोरेशन निकालना है, पेन के इवापोरेशन से, है ना, बिल्कुल, तो आप लोगों को यहाँ पर पेन की इवापोरेशन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ मिलेगा। अब देखो पेन का इवापोरेशन कैसा है, हाई है, और इसका इवापोरेशन क्या लो है, तो ये जो सी की वैल्यू है ना, जो कांस्टेंट मिलेगा, पेन कांस्टेंट जो मिलेगा, पेन कोफिशियंट जो मिलेगा, इस पेन कोफिशियंट की वैल्यू जनरली लेस देन वन रहेगी, लेस देन वन रहेगी। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 0.7 पेन कोफिशियंट की, इसकी वैल्यू होती है 0.8, इसकी वैल्यू होती है 0.78 और इसकी वैल्यू होती है 0.8, है ना, ये रह रही है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, अब आप लोग को यही करना होता है तो लेक का इवापोरेशन मिल जाएगा। तो आपको इवापोरेशन पौंड का निकालना, पौंड का कह दो, लेक का कह दो, अगर इवापोरेशन का पैन का कितना है 45 mm दे रखा है, तो ई आपको निकालना है पौंड का, तो कैसे निकालेंगे, 0.7 पेन का कॉफिशियंट है, इनटू कर देंगे आप लोग यहां पर इसको किससे, सॉरी, इस पौंड के इवापोरेशन से, पौंड का इवापोरेशन कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पेन के इवापोरेशन से। ठीक है, तो पेन का इवापोरेशन कितना, 45 mm है ना, तो देखो 45 का 70% कर दो तो 31 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए, टिक भी नहीं लगाना आप लोगों को, है ना, देखना भी नहीं है ना, तो ये वाला पर्टिकुलर आंसर आप लोगों का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है देखने की, है ना। देखो और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 45 का 70% निकालोगे तो, है ना, ठीक है, यही ऑप्शन जो है जो आप लोगों का मैच करेगा। अगर किसी केस में पेन इवापोरेशन नहीं देखे, क्लास से पेन से आपने मेजरमेंट किया, सिर्फ इतना दे दे, पेन कोफिशिएंट नहीं दे, क्लास से पेन इवापोरेशन दे दे, तो आपको डायरेक्टली 0.7 मान लेना है, आईएसआई दे दे तो डायरेक्टली 0.8 उठा लेना है, कोलोराडो शंगन कह रहे डायरेक्टली 0.78 उठा लेना है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे प्लॉटिंग पेन कह रहे 0.8 उठा लेना है ना। तो ये वैल्यूज मैंने इसलिए बताई है कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकें, सीधा कम्युनिकेट कर सकें चीजों के साथ, है ना, तो ये डायरेक्टली कभी नहीं देगा आप लोगों को पेन कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ना, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए नॉन ऑटोमेटिकली रेन गेज, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे बता दिए। नॉन ऑटोमेटिक कह दो, नॉन रिकॉर्डिंग कह दो, यार कोई बहुत अलग बात नहीं है, नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग कौन सा है, नॉन रिकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा कौन सा, ठीक है, तीनों तो रिकॉर्डिंग आ गए हैं। ठीक है, अच्छा देखो एक बात और बताता हूँ, है ना, ठीक है, एक आपकी टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं टेलीमेट्रिंग, ठीक है, एक एक आपकी टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं टेलीमेट्रिंग, है ना, टेलीमेट्रिंग, टेलीमेट्रिक टेक्निक क्या कहती है आपसे, ये आपका लेटेस्ट इंजीनियरिंग वर्क है आपका, पहले नहीं करते थे, पहले वाले रीजन में, ठीक है, क्या कहते हैं, ये क्या कहता है कि अगर यदि आपका कोई रेनफॉल स्टेशन है, रेनफॉल स्टेशन है, तो रेनफॉल स्टेशन पे कहता है कि बंदा रखने की जरूरत नहीं है, है ना, बंदा रखने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पर रेनफॉल स्टेशन पर जो भी आपका इनएक्सेसिबल या जो भी लोकेशन है आपका, अगर आप रेनफॉल स्टेशन से मेन स्टेशन से, यानी कि देखो रेनफॉल स्टेशन है, दिस इज द मेन स्टेशन, अगर इस मेन स्टेशन का डाटा किसी तरह संभव अगर हम यहाँ पर इसको सेंड कर पाए किसी पर्टिकुलर बेस स्टेशन से, यानी कि देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ बात, ठीक है, मैं समझाता हूँ बात कि अभी आप यहाँ पर बैठे हैं लेकमी से, आप जैसलमेर में बैठे हैं, है ना, आप जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर में है, ठीक है, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर आपको पता है बिल्कुल एल्ट रीजन है हमारे लिए, है ना, बिल्कुल, तो आप लोग देखेंगे जैसलमेर वाले इलाके से आप लोगों को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है कि जैसलमेर से आपका रिकॉर्ड कब आएगा, डेली का, है ना, अगर जैसलमेर का डाटा किसी तरह से मैं डायरेक्टली न्यू दिल्ली भेज दूं, अगर मैं डायरेक्टली न्यू दिल्ली भेज दूं तो मामला बच गया ना, यहाँ पर जो बंदा रहेगा वो बंदा आप लोगों को यहाँ पर डेली डेली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो ये अगर हम किसी पर्टिकुलर मेन स्टेशन का डाटा बेस स्टेशन पर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें तो इस टेक्निक को आप यहाँ पर टेलीमीटरिंग कहते हैं, दिस इज ए टेलीमीटरिंग टाइप ऑफ रेन गूज, है ना, ऐसे रेन गूज को टेलीमीटरिंग टाइप के रेन गूज कहते हैं। अब इस टेलीमीटरिंग टेक्निक के अंदर आप लोगों को जो पर्टिकुलर रेन गूज काम में आता है ना, इसके लिए जो सूटेबल है, कौन सा सूटेबल रहेगा, यहाँ का डाटा यहाँ तक भेज दे, यानी कि जो डाटा रिकॉर्ड भी कर सके और सेंड भी कर सके, ऐसा हमारे पास एक ही रेन गूज है, कौन सा, दैट इज द टिपिंग बकेट, दैट इज द टिपिंग बकेट। तो टिपिंग बकेट का ये भी काम है आपका, याद रखना, टिपिंग बकेट,
तो टिपिंग बकेट इज द मोस्ट सुटेबल इन द टेलीमेट्रिंग टाइप ऑफ रेनगोज, है ना। टिपिंग बकेट आपका मोस्ट सुटेबल कहलाएगा, ठीक है, और कोई नहीं है इतना सुटेबल जितना टिपिंग बकेट आपका रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आप लोगों को बताना है कि सर इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलो आपको यहां पर मैंने बोल दिया कि सर आप कंडीशन देखो, है ना, आप कंडीशन देखो कौन सा सही निकलेगा, बताओ जरा, ठीक है। तो देखो अगर मैं लैंड के ऊपर बात करूं, देखो आप लोगों को यहां पर बता देता हूं ये है क्या, ये ना आपकी वॉटर बजट इक्वेशन है एक्चुअली, बेसिकली कुछ नहीं है। देखो वॉटर बजट इक्वेशन क्या कहती है, आपसे कहती है कि कितना पानी आपका आया है, कितना पानी आपका गया है ना, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपके स्टोरेज में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं इनकमिंग वॉल्यूम में क्या क्या रहता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में, देखो बारिश को आपका रेनफॉल कह देते हैं हम, कि पानी का किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में जमीन पे आना, है ना, अर्थ सरफेस पे आना, चाहे वो बर्फ बन के आए, चाहे वो ग्लेज के टर्म में आए, स्लीट के टर्म में आए, आइस के टर्म में आए, स्नोफॉल के टर्म में आए, हेल्थ के टर्म में आए आप लोगों को, है ना, ठीक है। चाहे आप लोगों को यहां पर कह दूं तो मैं आप लोगों से ड्रिजल के टर्म में आ जाए, ठीक है। तो किसी भी टर्म में आप लोगों को पानी बस आना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ही ग्राउंड सरफेस पे आएगा इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, मेजर टर्म में आपकी, मेजर टर्म में आपकी, है ना, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, तो इनकमिंग वॉल्यूम हमारी प्रेसिपिटेशन है, बाहर कौन कौन से जाएंगे, देखो इवापोरेशन को देखो आप, ये देखो अगर बारिश हुई तो, देखो बारिश हुई तो क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में पानी का ग्राउंड में आना, पानी का ग्राउंड पे आना, तो ये जो रेड वाली टर्म है बारिश का आना, जिसको हम जनरली रेनफॉल के टर्म में जानते हैं, इसको प्रिसिपिटेशन कहूंगा मेजर टर्म में, ठीक है। अब पानी आया, ठीक है, तो पानी आया तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, सबसे पहले क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब ग्राउंड के अंदर पानी चला जाना, ग्राउंड के अंदर पानी को चला जाने को हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। देखो यहां पर पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड डीप परकोलेशन, है ना, ये भी अभी हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो तो इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से अलग चीजों से कम है, अलग है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि देखो मैं आप लोगों को यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, है ना, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल क्या है कि आप यहां पर मान के चलो कि यहां पर आप लोगों की जमीन है, है ना, ये आपका लैंड सरफेस है, इस लैंड सरफेस के नीचे आपकी क्या चली हुई है, आपकी वाटर टेबल लगी हुई है, ये वाटर टेबल है, दिस इज द वाटर टेबल, है ना, ठीक है। अब यहां पर वाटर टेबल चल रही है तो वाटर टेबल टेबल के नीचे क्या होगा, रॉक फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल, और ये आपकी रॉक फॉर्मेशन है, दिस इज द रॉक फॉर्मेशन, है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये आपका ग्राउंड है, देखो मैं बता देता हूं, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ये आपका वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, ये आपका रॉक है, ये आपका रॉक है ना, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल एंड दिस इज द रॉक, दिस इज द रॉक। अब देखो, अब समझो, देखो अगर आपकी बारिश होती है, इस बारिश होने से क्या होगा कि देखो ऊपर वाला, अब देखो यहां पर दो डिफरेंस समझना, ग्राउंड वाटर के टेबल के नीचे पूरा का पूरा जो पानी है ये पूरा सैचुरेटेड है, यहाँ की जो सोइल होगी इस जगह पे ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे ये पूरी सैचुरेटेड रहेगा, 100% सैचुरेटेड सोइल है, यहाँ की सोइल कैसी है, 100% सैचुरेटेड है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर आपका अभी अनसैचुरेटेड मामला है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड मामला है, यहाँ पर सैचुरेशन है, यहाँ पर सैचुरेटेड नहीं है, ना। अगर यदि आपके पास बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने के साथ ही पानी ग्राउंड के अंदर गया, ग्राउंड के अंदर गया, अगर पानी का मूवमेंट अनसेचुरेटेड मास से अनसेचुरेटेड मास तक है, यानी कि पानी का मूवमेंट यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा, है ना, पानी तो आया लेकिन पानी सिर्फ इतनी सी जगह में भरा है, यहां तक फुल गया, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं किया है इसने, अगर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं किया है, ये अनसेचुरेटेड मास में फ्लो किया है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पानी का फ्लो अनसेचुरेटेड मास से अनसेचुरेटेड मास तक ही रहे, यानी कि पानी आपका यहां तक ही गया है, सिर्फ पानी यहां तक ही रहा है ना, यहां तक ही फिल हुआ है बस, ठीक है। तो इसको कहूंगा मैं इन्फिल्ट्रेशन, इसको कहूंगा मैं इन्फिल्ट्रेशन, है ना, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं कह दूं ये पानी आपका फ्लो करते करते ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर ले, ये मान लो इसको ज्वाइन कर लिया, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया, तो अब ये कहलाएगा परकोलेशन, अब ये कहलाएगा क्या, परकोलेशन, है ना, अब ये कहलाएगा परकोलेशन। अगर आपका यहां से भी आपका जो रोक है, इस रोक के अंदर ना छोटे मोटे क्रैक रहते हैं, छोटे मोटे क्रैक से रहता है ना, छोटे मोटे क्रैक रहते हैं, अगर इस क्रैक से बाहर निकल गया, इस क्रैक से होते हुए इसके भी नीचे चला गया, तो अब ये कहलाएगा डीप परकोलेशन, अब ये कहलाएगा आपका डीप परकोलेशन, है ना। तो तीनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप परकोलेशन, परकोलेशन एंड डी इनफिल्ट्रेशन। तो अनसेचुरेटेड मास से अनसेचुरेटेड मास तक का फ्लो, दैट इज द इनफिल्ट्रेशन, अनसेचुरेटेड मास से सेचुरेटेड मास तक का फ्लो, दैट विल बी टर्मड इज अवर
परकुलेशन। और आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर क्रैक फिशर्स को तोड़ता हुआ, अगर क्रैक फिशर्स से जो भी टूटे हुए क्रैक फिशर्स हैं उन सबसे नीचे पानी चला जाए तो डेट विल बी टर्म्ड एज डीप परकुलेशन। तीनों में डिफरेंस क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो, पानी आया तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होने के साथ साथ आपका रन ऑफ आपको जनरेट देखने को मिलेगा, रन ऑफ जनरेट देखने को मिलेगा ना, ठीक है, रन ऑफ देखने को मिलेगा ना। इसके साथ साथ यहाँ पर जब साथ के साथ ही आपकी इवापोरेशन भी हो रही होगी, इवापोरेशन भी हो रही होगी। बिल्कुल। अगर यहाँ पर कोई प्लांट व्लांट लगा पड़ा है, अगर यहाँ पर कोई प्लांट व्लांट है, अगर यहाँ पर कोई प्लांट व्लांट है तो प्लांट जमीन से पानी ले रहा होगा, जमीन से पानी ले रहा होगा, और यहाँ से प्लांट अपनी यहाँ से पानी ट्रांसपायर कर भी कर रहा होगा। ये ट्रांसपिरेशन कहते हैं, पानी ये इवापोरेशन जैसी ही प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन जैसी ही प्रोसेस है, बस प्लांट के थ्रू पानी जाता है। यानी कि हमारा प्लांट जो पौधा है, ये पौधा पानी खींच लेता है, पौधा आपका पानी खींच लेगा, पौधा पानी खींचेगा, ठीक है, पौधा ने पानी खींचा, पानी खींच के ये क्या करेगा, यहाँ से पत्तियों के थ्रू आपका छोटी मोटी ओपनिंग होती है, जैसे पत्ती देखो आप लोग, दिस इज द लीफ, दिस इज द लीफ, दिस इज द लीफ, इस लीफ के अंदर ना छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती है, दैट इज द स्टोमेटा, स्टोमेटा है ना, ठीक है। तो ये जब खाना बनाने की प्रोसेस होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, ये पत्ती ओपन होती है, ये स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन होता है ना, तो इस टाइम पे धूप की वजह से यहाँ से पानी उड़ जाता है, सन की वजह से यहाँ से पानी उड़ जाता है, सन सनलाइट की एनर्जी में यहाँ से पानी उड़ जाता है। तो अगर ग्राउंड से पानी निकला है ना, ग्राउंड वाले सोर्सेस से, तो इसको इवापोरेशन कहते हैं, यहाँ से पानी उड़ा है तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सिमिलर टू द इवापोरेशन है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सबसे मेजर डिफरेंस ये मानो आप कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो सिर्फ डेलाइट प्रोसेस है, इवापोरेशन दिन में भी होता है रात में भी होता है, ठीक है, इवापोरेशन दिन में भी होता है रात में भी होता है, ठीक है। ये आपका सिर्फ डेलाइट में होगा, जब खाना बना रही होगी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर यहां से देखूं तो देखो, प्रिसिपिटेशन एक टर्म में पानी आया, पानी जाएगा कैसे, इवापोरेशन के टर्म में बाहर निकल गया, ठीक है, इवापोरेशन के टर्म में बाहर निकल गया, ट्रांसपिरेशन के टर्म में बाहर जा सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पर आप देखोगे तो आपका इन्फिल्ट्रेशन के टर्म में पानी बाहर जा सकता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल तो यही दिख रहे हैं हम लोग, है ना, साथ में रन ऑफ है, हाँ साथ में रन ऑफ के टर्म में बाहर जा सकता है ना। तो ये आप लोग यहाँ पर नोट करते हैं वाटर बजट इक्वेशन, है ना, ये आप लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं वाटर बजट इक्वेशन को, शो करते हैं आप, ठीक है, ये इनकमिंग है, दिस इज द आउटगोइंग, और ये आपको दिखाते हैं कितना चेंज होने वाला है इस पर्टिकुलर लैंड एरिया में पानी के अंदर, है ना, बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर देखो तो आप लोग कौन कौन सी चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन आप लोग यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, हो सकता है आपने एरिया ऐसा लिया हो जहाँ पर ट्रांसपिरेशन ना हो, है ना। इवापोरेशन आपका बहुत कम रहता है, इनके लॉसेस आपको कम देखने को मिलेंगे। रन ऑफ के बारे में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें तो रन ऑफ के लॉसेस बहुत हाई रहता है, क्यों, क्योंकि पानी या तो ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में जाने की कैपेसिटी खत्म होगी, ग्राउंड की कैपेसिटी कम होगी। जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर की आपकी रेनफॉल आई, 5 सेंटीमीटर पर आर की रेट से रेनफॉल आ रही है ना, ग्राउंड की जो टैंकिंग कैपेसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर आर की है, ग्राउंड की जो अंदर जाने वाली कैपेसिटी है 2 सेंटीमीटर पर आर की, तो बाकी पानी ऊपर ही बहेगा, ठीक है, बाकी पानी ऊपर ही बहेगा, तो रन ऑफ आपको 3 सेंटीमीटर पर आर देखने को मिलता है ना। जैसा कि आपको पता है शुरुआत में बारिश आती है तो पहले पानी जमीन के अंदर जाएगा, तो इन्फिल्ट्रेशन अच्छे खासे अमाउंट में आकर होता है, रन ऑफ आपका अच्छे खासे अमाउंट में आकर करता है ना। तो इन दोनों को तो मिनिमाइज किया भी जा सकता है ना। तो आप लोग इस बेसिक टर्म को देखें तो पी बराबर इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ के टर्म में आप लोग यहाँ पर जनरली चीजों को देख सकते हैं ना, जनरली देख सकते हैं ना। देखो, पी बराबर ई प्लस आर इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि इवापोरेशन रन ऑफ के अलावा यहाँ पर बारिश हुई तो इन्फिल्ट्रेशन मस्ट होगा ही होगा, इन्फिल्ट्रेशन मस्ट होगा ही होगा, और इन्फिल्ट्रेशन का अमाउंट इवापोरेशन से ज्यादा है और बाकी आपका मैच नहीं करेगा, है ना। अगर इवापोरेशन इन्फिल्ट्रेशन रन ऑफ तीनों दे देता है यहाँ पर तो वो वाला टिक करके आगे बढ़ जाता है, ये वाला पर्टिकुलर, तो ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही निकलेगा। तो प्रिसिपिटेशन बराबर आपका यहाँ पर देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ के बराबर देखने को मिलेगा वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग, अब देखो ये सवाल अगेन 2018 में पूछा गया, फिर से पूछ रहे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का, 3 बार तो पूछ चुका है ना, नॉन रिकॉर्डिंग साइमन है, साइमन है, अगली बार ये पूछेंगे इन एक्सेसिबल स्टेशन में कौन सा लगाएंगे, तो टिपिंग बकेट लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। इंडिया में सबसे मोस्ट वाइडली पूछेगा तो साइमन लगाना, इंडिया के अंदर रिकॉर्डिंग मोस्ट वाइडली पूछेगा तो फ्लोटिंग लगाना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या है, एक इरिगेशन कैनाल है इस किलोमीटर लॉन्ग, है ना, कितने किलोमीटर लॉन्ग है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन शायद में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे याद रह गया इसलिए बता देता हूँ, 80 किलोमीटर पूछा हुआ है ना, देखना क्वेश्चन का हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, दैट इज 80 किलोमीटर, है ना, ठीक है, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है, एन इरीगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, इट हैज एन एवरेज सरफेस विड्थ ऑफ 15 मीटर, ठीक है। अगर इवापोरेशन मेजर करेंगे हम क्लास से पेन से तो डेट विल बी 5 mm पर डे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इवापोरेट किया है आप लोगों को बताना है,
ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक केनाल है आपकी, इरिगेशन केनाल है, इसकी जो विड्थ है ये है आपकी 15 मीटर, ये है आपकी 15 मीटर, है ना, और ये लंबी है आपकी टोटल कितनी, ये केनाल आपके पास लंबी है 80 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। और जो पेन आप लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, उस पेन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 5 mm पर डे का इवापोरेशन देखने को मिला है ना। मैंने पहले बोला कि पेन इवापोरेशन को अगर यदि आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे पेन कॉफिशियंट से, तब आपको लेक का इवापोरेशन मिलेगा, है ना। चलो, तो पेन का इवापोरेशन कैसे निकलेगा, पेन का इवापोरेशन निकलेगा आप लोग यहाँ पर वो तो मेजर कर ही सकते हैं, यहाँ से पता चलेगा पेन का इवापोरेशन था 5 mm पर डे, 5 mm पर डे। ठीक है, इतना 5 mm एक दिन में पानी पेन से उड़ रहा है, तो 5 mm पानी हमारा केनाल से भी उड़ रहा होगा, ये मान के चल रहे थे बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इसका एरिया कितना निकला, तो एरिया कितना देखो बताओ, इस एरिया ऑफ द केनाल कितना है, एरिया ऑफ केनाल है 80 किलोमीटर, तो 80 × 10 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल कर दो आप 15 मीटर से। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर मीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज द मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इतना एरिया में इवापोरेशन हुआ है। ठीक है, चलो देखो आप लोगों का 30 दिन का आपको इवापोरेशन कैलकुलेट करना है। चलो देखो, तो देखो इवापोरेशन निकालता हूँ मैं यहाँ पर, टोटल इवापोरेशन की वैल्यू चेक करता हूँ यहाँ पर, लेक इवापोरेशन कितना हुआ होगा, देखो तो लेक इवापोरेशन कैलकुलेट करो आप, है ना, कितना निकलेगा। देखो क्या कह रहा है कि सर देखो इतने एरिया से पानी उड़ा, 80 × 10 की पावर 3 × 50, है ना, इतने एरिया से पानी उड़ा, है ना, इतने एरिया से, इतने मीटर स्क्वायर के एरिया से पानी उड़ा, पानी कितना उड़ा, 5 mm उड़ रहा है एक दिन में, कितना उड़ा, 5 mm उड़ा है एक दिन में, 5 mm एक दिन के अंदर, 5 mm पानी उड़ा है इतने एक दिन के अंदर, कितने दिन के लिए कैलकुलेट करना, 30 दिन के लिए कैलकुलेट करना, × 30 दिन के लिए कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर शो कर देगा कितना लेक के अंदर इवापोरेशन हुआ है ना। ठीक है, कि 5 mm पानी उड़ रहा है पैन के अंदर, 30 दिन तक पानी उड़ जाना बताना है आप लोगों को, बिल्कुल × 30 कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, 5 mm उड़ रहा है एक दिन के अंदर पर डे के अंदर, 30 दिन के अंदर इतना पानी उड़ेगा। ठीक है, कितना पानी उड़ेगा, इतना पानी, अब ये तो पानी आप लोगों को यहाँ पर कितने एरिया पड़ेगा, इतने एरिया से पानी उड़ेगा, कितना उड़ेगा, इतना पानी उड़ेगा। ठीक है, इतने एरिया से पानी उड़ाओ इतना ही, तो ये लेक के अंदर कितना इवेपोरेशन होगा, ये मीटर क्यूब के अंदर वैल्यू दे देगा, है ना। लेकिन याद रखना कि पैन का कॉफिशियंट 0.7 है, तो इससे भी आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई, ये वैल्यू पर्टिकुलर आपके आंसर है, 0.7 से मल्टीप्लाई करना ना भूलना, है ना, कि पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, बस इतनी सी गलती करते हैं हम लोग और हम हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, तो इतना तो मैं जान ही गया कि पीछे 000 आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा आंसर, है ना, 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से ये वाला करेक्ट आंसर निकलना चाहिए, बाकी चेक कर लेना आप लोग, है ना। द एरिया अंडर अ हीटोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द हीटोग्राफ, सबसे पहले हीटोमीटर हीटोग्राफ में फर्क है, पहले बता रहा हूं, हीटोग्राफ और हीटोमीटर के अंदर फर्क है पहले बता दे रहा हूँ, है ना आप लोगों को, क्या होता है देखो फर्क देख लो आप लोग, है ना। हीटोग्राफ क्या होता है, हीटोग्राफ आपका, हीटोग्राफ आप लोगों को यहाँ पर शो करता है, हीटोग्राफ आप लोगों को यहाँ पर शो करता है, मैं बताऊँ क्या शो करता है आप लोगों को, जो ये लेट मी से दिस इज द हीटोग्राफ, लेट मी से दिस इज द हीटोग्राफ, है ना। हीटोग्राफ आप लोगों को यहाँ पर शो करता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट, है ना, वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट, है ना। देखो अब देखो किस तरह से आप लोग यहाँ पर दिखेंगे इसको, जब भी आप लोगों को देखना है तो किस तरह से देखना है ना, तो ये आप लोगों को इस तरह से, आप लोग जब इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि पहले घंटे में इतनी बारिश हुई, दूसरे घंटे में इतनी बारिश हुई, रेनफॉल की इंटेंसिटी है ना बेसिकली, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा थर्ड में ये इस तरह से। ठीक है, ये आप लोगों को रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का प्लॉट दिखाता है, डेट इज द हीटोग्राफ, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूँ हीटोग्राफ यानी कि देखो ये बताएगा कि जैसे ये वैल्यू है 5 mm और ये पहला बता देगा 0 से लेकर पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ना पहले घंटे में 5 mm की बारिश हुई, तो 5 mm की रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी आप लोग यहाँ पर mm पर आर में देखते हैं। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम के बीच का प्लॉट है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम के बीच का प्लॉट है, तो 5 mm पर आर आप लोग यहाँ पर शो कर देगा ये, है ना, 5 mm पर आर ये आप लोग यहाँ पर शो कर देगा, है ना, कि 5 mm बारिश हुई है एक घंटे के अंदर। ठीक है, शो कर रहा है, ठीक है, ये 2 घंटों का भी कर्व बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी को mm पर आर में रखना है, तो ये पर आर के अंदर ही रहेगा, यहाँ पर 2 घंटे का भी आप डेविएशन ले सकते हैं ना, ये 5 mm पर आर आपको शो कर रहा है। ठीक,
यहाँ से अगर यदि आप लोग यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका एरिया आपको बता देगा कि कितनी वॉल्यूम का पानी आया 1 घंटे के अंदर, इसका एरिया आपको डायरेक्टली शो कर देगा, है ना। तो इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया आपको क्या दिखाएगा, ये तो एक तो एमएम पर आर में चल रहा है, एमएम पर आर के अंदर चल रहा है, इनटू आप लोगों को यहाँ पर करना है आर से, तो ये आप लोग बता रहे हैं कितनी एमएम की डेप्थ की पानी है, कितना वॉल्यूम आपका बरसा है ये बता देगा। इस एमएम को आप यहाँ पर एरिया से कैलकुलेट करके मीटर क्यूब के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग बता देंगे आप लोग कितना पानी आया है, पानी का रेनफॉल डेप्थ आप लोग यहाँ पर पता चल जाती है इस पर्टिकुलर कर्व से। तो दैट इज द कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम। तो यहाँ टोटल इंटेंसिटी नहीं है, दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी, हर घंटे की अलग अलग इंटेंसिटी लेते हैं, दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन द और टाइम के बीच का पीरियड है ना। तो ये आप लिख देते हैं टोटल रिसीव्ड इन द पीरियड, ठीक है ये है, तो टोटल इंटेंसिटी दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट कर्व, तो नेक्स्ट कर्व है आपका, दिस इज द नेक्स्ट कर्व। और एक कर्व हमने यहाँ पर मास कर्व के बारे में बात की, मास कर्व आप लोगों का जो ये जो आप लोगों ग्राफ दिखाएगा ये टोटल रेनफॉल के बीच में दिखाएगा, दिस इज द टोटल रेनफॉल, टोटल रेनफॉल कह दो आप अक्यूमुलेटेड रेनफॉल कह दो वर्सेस टाइम, है ना, वर्सेस टाइम यहाँ पर टाइम, है ना। तो ये बताएगा कि पहले घंटे में इतनी रेनफॉल आ रही है, पहले घंटे में इतनी इतनी डेप्थ की रेनफॉल आ रही है ना, पहले एक घंटे तक, फिर अगले घंटे तक बारिश नहीं आई, फिर अगले घंटे में इतनी डेप्थ की रेनफॉल आई, यहाँ से आप निकालेंगे तो रेनफॉल वर्सेस टाइम यहाँ पर आपको रेनफॉल की इंटेंसिटी पता चल जाएगी, इसका स्लोप आपको रेनफॉल इंटेंसिटी शो कर देता है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हो, दिस इज द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल, है ना, ये टाइम और टोटल रेनफॉल के बीच का या एक्युमुलेटेड रेनफॉल के बीच का आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट के अंदर, ये आप लोगों का क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछ गया, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, तक के लिए बाय, थैंक्स।